जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सबका उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी तो हमने यूनिट नंबर वन जो है वो कंप्लीट कर लिया था अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कैसे चल रहा है आपका मिशन एमबीबीएस जी बच्चों मिशन एम आपका कैसे चल रहा है जी तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कंटेंट है वो बहुत ही uh, मतलब शॉर्ट है इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है एक तो हमने इसमें प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज और डिस्कवरी पढ़नी है उसके बाद हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करनी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिव रेस और इसका दूसरा नाम है केनाल रेस जी तो हमारे पास ये प्रोटॉन को डिस्कवर किया था एक फिजिसिस्ट था गोल्डस्टाइन गोल्ड स्टाइन ने डिस्कवर किया और इसने क्या किया इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जी ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं एक है कैथोड और एक है एनोड दिस वन इज़ एनोड एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज क्यों क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा है हमारे पास कैथोड लेकिन ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है इसके अंदर होल है इसको हम कह रहे हैं परफोरेटेड कैथोड और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ परफोरेटेड कैथोड और इस पे चार्ज है नेगेटिव अच्छा जी तो इसमें कोई भी गैस लेनी है और उस गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए जीरो पॉइंट जीरो वन टॉर क्यों कम प्रेशर कम क्यों होना चाहिए ताकि जो कैथोड रेस की मूवमेंट है वो आसानी से हो सकें कैथोड रेस आसानी से ट्रेवल कर सकें इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम पंप है अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वैक्यूम की मदद से हम प्रेशर जो गैस है उसको बाहर खींच सकते हैं इवैक्यूएट कर सकते हैं तो जब कैथोड रेस जब करंट जब बैटरी को ऑन किया तो कैथोड की सरफेस से कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई जो ट्रैवल कर रही थी टूवर्ड्स दी एनोड इन स्ट्रेट लाइन अब जब ये कैथोड रेस किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज है तो गैस का मॉलिक्यूल है हमारे पास तो जब ये कैथोड रेस किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं तो ये गैस है उसके साथ कैथोड रेस ने स्ट्राइक किया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इस गैस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये जो पॉजिटिव रे बनी है दैट इज़ प्रोटॉन ठीक है अब ये जो प्रोटॉन ये जो पॉजिटिव रे बन रही है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी ऑपोजिट टू कैथोड रेस जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई देते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ बेंड करती हैं जो कि ये शो करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या 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 है क्योंकि प्रॉपर्टीज भी सिलेबस uh, में है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सेकेंड कास्ट इज शेडो ऑफ एन अपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में जो भी चीज आती है ये उसका शेडो बनाते हैं इसी तरह ये किस तरफ किसकी तरफ बैंड होती हैं टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट जो कि ये शो करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये दे प्रोड्यूस ए फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट के साथ के ऊपर ये फ्लैश यानी कि ग्लो प्रोड्यूस करती हैं और चूंकि ये परफोरेशन से पास कर जाती हैं अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास कैथोड के अंदर ये होल था तो ये इस होल से गुजर जाती हैं और चूंकि ये इस होल से गुजर जाती हैं इसलिए हम इनको कैनाल रेस भी कह रहे हैं अच्छा और ये दूसरी तरफ जाके जब ये यहाँ पर जाके स्ट्राइक करती हैं इस केनाल के थ्रू पास करके तो यहाँ पर ये जो है ये एक रेडिश ग्लो प्रोड्यूस करती हैं रेडिश ग्लो अच्छा इनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से वन एट वन एट थ्री सिक्स टाइम्स ज्यादा होता है देन इलेक्ट्रॉन इनका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से वन एट थ्री सिक्स टाइम ज्यादा होता है अच्छा, इसकी जो ई ओवर एम वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस पे ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस और सबसे कम सॉरी सबसे ज्यादा ई e ओवर एम वैल्यू किसके लिए होगी हाइड्रोजन गैस के लिए, लिए. क्योंकि मास जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो जिसका मास सबसे कम उसकी ई ओवर एम वैल्यू सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा ई ओवर एम वैल्यू होगी हाइड्रोजन गैस के लिए सो so, क्वेश्चन है मिनिमम कैथोड रेस आर पास थ्रू इट जी वो गैस जिसकी मिनिमम चार्ज टू मास रेशो है जब हम कैथोड रेस को उसके थ्रू पास करते हैं ऑप्शंस है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जी तो क्या आंसर है इसका जी बच्चों क्या आंसर है इसका बहुत सिंपल है मिनिमम चार सौ वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी तो चूंकि सबसे ज़्यादा मैस हाइड्रोजन का मैस कितना है टू ग्राम ऑक्सीजन का है थर्टी टू ग्राम और इसका है ट्वेंटी एट ग्राम और इसका है सेवेंटी वन ग्राम तो सबसे ज़्यादा मैस क्लोरीन का है सो राइट आंसर इज़ तो सबसे कम जो ई ओवर एम वैल्यू होगी वो क्लोरीन के लिए होगी अच्छा जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका मैस जो है इनका मैस कितना होता है हमारे पास हमारे पास जो ऑफ पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है हमारे पास ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए नाइन पॉइंट वन इंटू टेन माइनस थर्टी वन के जी प्रोटोन का मैस कितना है हमारे पास जी प्रोटोन का मैस याद है आप लोगों को वन पॉइंट सिक्स सेवन टू सिक्स इंटू टेन एज़ टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी और प्रोटॉन का मैस सॉरी न्यूट्रॉन का मैस कितना है हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस है थोड़ा सा ज़्यादा है उससे प्रोटॉन से वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो इंटू टेन एज़ टू माइनस ट्वेंटी सेवन के जी तो प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैथ से वन एट थ्री सिक्स टाइम्स ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैथ से वन एट फोर ज़ीरो टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्टू पॉर माइनस नाइन्टीन कोलम्प और ये वैल्यू नेगेटिव में है इस पे चार्ज और यही वैल्यू प्रोटॉन पर है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट टू पावर माइनस नाइन्टीन कोलम्प जी हमारे पास क्वेश्चन है द रेशो ऑफ ओवर एम वैल्यू ऑफ ए प्रोटोन एंड एन एल्फा पार्टिकल इस ऑप्शन हैं हमारे पास टू रेशो वन वन रेशो वन वन रेशो टू एंड डेल्टा है वन रेशो फोर जी बच्चों आपने रेशो बतानी है ई ओवर एम वैल्यूज़ के दरमियान प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू और अल्फा पार्टिकल की ई ओवर एम वैल्यू के दरमियान क्या रेशो है जी बच्चों क्या आंसर है इसका अच्छा जी प्रोटॉन की ई ओवरएम वैल्यू हम प्रोटॉन से मुराद है बेसिकली प्रोटॉन से मुराद है हाइड्रोजन आइन दिस इज़ प्रोटॉन ये हमारे पास है प्रोटॉन अच्छा इसकी ई ओवर एम वैल्यू क्या है हमारे पास इस पे चार्ज कितना है प्लस वन और इसका मैस कितना होता है वन हाइड्रोजन का मैस कितना है वन तो ओवर एम वैल्यू आ गई हमारे पास वन अच्छा अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है हीलियम प्लस टू तो इसकी ई ओवर एम वैल्यू क्या है हमारे पास इस पे चार्ज कितना है प्लस टू और इसका मैस होता है फोर तो टू बाय फोर तो इसकी है वन और इसकी है टू बाय फोर यानी कि ये है वन ओवर टू ये कितनी है वन ओवर टू तो आपने दोनों की रेशो लेनी है तो रेशो जो आएगी हमारे पास वो ऊपर आएगी प्रोटॉन की पहले प्रोटॉन की कितनी है वन डिवाइडेड बाय और नीचे आएगी अल्फ़ा पार्टिकल की अल्फ़ा पार्टिकल की कितनी है वन ओवर टू तो फिर ये टू इधर ऊपर आ जाएगा टू वन जर टू और नीचे वन रह जाएगा तो टू ओवर वन तो रेशो आ गई हमारे पास टू रेशो वन राइट आंसर इज अल्फा जी क्लियर है आपको प्रोटॉन की ई ओवर एम वैल्यू और अल्फा पार्टिकल की ई ओवर एम वैल्यू के दरमियान हमने रेशो ली है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which one of the following has the same number of electrons as in alpha particle हाँ जी तुम्हारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आइन एंड हीलियम तो इनमें से किस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने अल्फ़ा पार्टिकल में होते हैं जितने अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किस में हैं जी बच्चो एल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास एल्फा पार्टिकल है हीलियम प्लस टू हीलियम का टॉमिक नंबर होता है टू हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्लस टू का मतलब है उसने वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं अब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हीलियम प्लस टू में जीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनमें से किसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन प्लस टू हाइड्रोजन के जब दो एटम हैं तो दो इलेक्ट्रॉन है हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन प्लस वन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जीरो है सो द राइट आंसर इज चार्ली अच्छा जी अब हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक छोटा सा जो है ना उसका इंट्रोडक्शन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जी बोहर ने ये कहा था कि सॉरी रदरफोर्ड ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटीन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट करता है तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो न्यूक्लियस में जा के गिर जाएगा लेकिन प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी जो है वो हमेशा डिसकन्टीन्यूस मैनर में ट्रेवल करती है एनर्जी ट्रैवल्स इन ए डिसकटीन्यूस मैनर एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल नहीं करती डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और उन वेव पैकेट्स को हम क्या कहते हैं उन वेव पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं तो लाइट के केस में लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो लाइट के जो वेव पैकेट्स हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है प्लैक्स इक्वेशन प्लैंक्स इक्वेशन क्या है कि जो एनर्जी है जो एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर ये यह जो वी है ये फ्रीकुंसी है तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन वन सेकेंड जितनी ज़्यादा वेव्स पास करेंगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और उतनी ज़्यादा एनर्जी है प्रोपोर्शनलिटी सेंट खत्म करके हम इक्वल्स और कॉन्सटेंट लेके आए हैं दैट इज़ एच और ये हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन और एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन स्क्वायर माइनस थर्टी फोर जाओ सेकेंड अच्छा यहाँ पर अब हम फ्रिक्वेंसी को की जगह वेवलेंथ लेके आएंगे आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है वीज एक टू एफ लेमडा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो सी है और फ्रीक्वेंसी वी है और दिस इज दी वेव लेंथ तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाओगे तो लेमडा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के वेवलेंथ क्या है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्किटिव क्रैस्राफ और वेवलेंथ तो को हम मैयर करते हैं एंगस्ट्रॉम फ्राम नॉर्थ में टेन तो माइनस टेन मीटर्स या नैनो मीटर में या पीको मीटर्स में अच्छा वेव लेंथ का एक रेसिप्रोकल है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ़ लेंथ इट इज नंबर ऑफ वेव्स वेव, वेव नंबर क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ तो नया रिलेशनशिप अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली वन ओवर लेमडा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेव नंबर तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेक्ट इनमें से कौन सा रिलेशनशिप इनकोरेक्ट है जी अल्फा ऑप्शन है हमारे पास ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ऑल आर कॉरेक्ट डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट जी इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो इनकोरेक्ट है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ और डी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट जी बच्चों क्या होगा हाँ जी ई e जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के ये बात ठीक है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवनेथ के ये बात भी ठीक है लेकिन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के ये ठीक नहीं है ई इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर अभी हमने बात की तो ये जो रिलेशनशिप जो है ये इनकोरेक्ट है चलिए एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा भी होगा द फिलोसटी ऑफ फॉटॉन is independent of wavelength depends upon source depends on source चार्ली तो ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन वेव लेंथ और डी है इक्वल्स टू तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जी तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या है इंडिपेंडेंट है वेव लेंथ पे डिपेंड कर रहा है सोर्स पे डिपेंड कर रहा है वेव लेंथ पे या इक्वल है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीटूड जी वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या है सी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ के फोटोन लाइट लाइट का वेव पैकेट है दैट इज़ फोटोन और लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री इंटू टेन रेज पर एट मीटर पर सेकेंड तो ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है तो लिहाजा जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करी इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ अच्छा जी अब हम स्टार्ट करेंगे शेप शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स जी क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बोहर्स के मुताबिक बोहर्स के मुताबिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है ठीक है बोहर्स के मुताबिक एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्लैट है यानी कि थ्री डायमेंशनल नहीं है और दूसरा इसके मुताबिक जो आ, रेडियस है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस है जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है शेल में यानी कि इसके मुताबिक ये आपको इलेक्ट्रॉन की जो एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है ठीक है बोहर आपको इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स के अंदर होते हैं पर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है मतलब हमें नहीं पता कि वो शेल में कहाँ प्रेजेंट है तो उसके लिए फिर हमें क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो जब आपने किसी जगह पहुँचना हो तो आपको उसका कम्प्लीट एड्रेस चाहिए तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो है ये हमें एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का टेल अस अबाउट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और फिर भी वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है क्वांटम नंबर फिर भी प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि नाइन्टी फाइव परसेंट चांस है कि वो इधर ही हो सकता है इधर ही है ठीक है नाइन्टी फाइव परसेंट प्रॉबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर ही हो सकता है फिर भी वो श्योर नहीं है अच्छा क्वांटम नंबर्स बेसिकली और ये नूमेरिकल uh, वैल्यूज हैं इट इज़ ए सेट ऑफ िकल वैल्यूज ये हमारे पास नूमेरिकल वैल्यूज हैं जो हमें मिलती हैं सेट ऑफ नूमेरिकल वैल्यूज अपटेन्ड फ्रॉम स्क्रोडेंगर वेव इक्वियन तो एक एटम को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हमारे पास फोर क्वांटम नंबर्स हैं तो पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छा जिस तरह आपने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक लेवल होता है एटम के अंदर के सबसे पहले होते हैं शेल्स शेल्स आगे सब शेल्स से मिल बने हुए हैं और सब शेल्स के आगे ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल्स के आगे ऑरटेशन होती हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली है। हम इसी लेवल को फॉलो फॉल। फॉलो करेंगे हम बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जाएंगे तो जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ये हमें एनर्जी बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है ये हमें साइज़ ऑफ शेल के बारे में बताता है इट टेल्स अस अबाउट साइज़ ऑफ शेल शेल का साइज़ कितना होगा अगर पहला शेल है तो उसका साइज़ स्मॉल है सेकंड शेल है तो साइज़ बड़ा हो गया थर्ड शेल है तो साइज़ और बड़ा हो गया इसके साथ साथ और हमें क्या बताता है इसके साथ साथ ये हमें बताता है इसके साथ साथ ये हमें बताता, इसके साथ साथ ये हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है यानी कि शेल्स को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है साइज uh, को रिप्रेजेंट करता है शेल के और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस अब एन कोई भी एक होल नंबर वैल्यू है वन से लेके वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो हमारे पास जो पहला शेल है वो है के शेल और के, के लिए एन की वैल्यू हमारे पास वन होती है के पहला शेल है दूसरा शेल है हमारे पास एल शेल एल के लिए हमारे पास एन की वैल्यू है टू तीसरा शेल है हमारे पास एम शेल और इसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू है थ्री और चौथा शेल है हमारे पास एन शेल और इसके लिए एन की वैल्यू है फोर तो हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होती है हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होती है हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू है तो के पहला शेल है इसके लिए एन की वैल्यू वन एल के लिए टू और एम के लिए थ्री और एन के लिए फोर अब हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं इसका फार्मूला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका फॉर्मूला है हमारे पास टू एन स्क्वायर अच्छा जी आपने पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर आप एन की जगह वन पुट करोगे वन का स्क्वायर वन वन टू ज़ार टू तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फिर आप दूसरे के लिए यहाँ पे टू पुट करोगे टू का स्क्वायर फोर फोर टू ज़ार एट इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए थर्ड के लिए हमारे पास थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू ज़ार एटीन इलेक्ट्रॉन्स फोर के लिए फ़ोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटी टू ज़ार थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स तो हर शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं ठीक है ये था जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब हम बात करेंगे इससे छोटा लेवल है शेल्स जो हैं वो सब शेल्स से मिलके बने हैं तो हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है दैट इज एजी मुथल क्वांटम नंबर तो एजी मुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो शेल्स जो हैं वो सब शेल्स से मिलके बने हैं जिस तरह बुनियादी तौर पे चार शेल्स हैं के एल एम और एन इसी तरह बुनियादी तौर पे चार सब शेल्स हैं एस पी डी और एफ शेल का जो नंबर है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं के पहला शेल है इसमें एक ही सब शेल है दैट इज एस एल दूसरा शेल है इसमें दो सप्शल हैं एक एस है और एक पी है एम तीसरा शेल है इसमें तीन सप्शल हैं एस पी एंड डी और एन फोर्थ शेल है चार सबसे एस पी डी एंड एफ अच्छा ये हमें कैसे पता चलता है जिस तरह हर शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू थी जैसे कि के, के, के लिए एन की वैल्यू वन है एल के लिए टू है एम के लिए थ्री है इस तरह हर सबसेल के लिए भी एज मुथल क्वांटम नंबर की एक खास वैल्यू होगी तो वो वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है L इज इक्वल टू एन माइनस वन अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं है एज ए मुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है एज ए मुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली सब को और बेसिकली उनकी शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है शेप्स ऑफ सब अभी हम बात करेंगे शेप्स क्या क्या है इनकी अच्छा तो एज ई क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो है एल इज़ इक्वल टू एन माइनस वन तो एस जो है वो पहले शेल में प्रेजेंट है तो इसके लिए एस के लिए यहाँ पर हम वन पुट करेंगे वन माइनस वन ज़ीरो तो एस के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो है पी कौन से शेल में आया था सेकेंड शेल में तो यहाँ पर हम इसके लिए टू पुट करेंगे टू माइनस वन वन तो पी के लिए एल की वैल्यू वन है इसी तरह हमारे पास डी है डी कहाँ आया था थर्ड शेल में तो यहाँ पे हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन ये आ गया टू एल इज इक्वल टू टू शेल है और एफ कहाँ आया था फोर्थ शेल में ये हमारे पास फोर्थ शेल था तो यहाँ पर हम फोर पुट करेंगे फोर माइनस वन थ्री तो एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री है तो जब भी एल की वैल्यू जीरो है इससे मुराद हमेशा एस सप्शल है जब जब भी एल की वैल्यू वन है इससे मुराद पी सपशल है जब भी एल की वैल्यू टू है इससे मुराद डी सब्शल है जब भी एल की वैल्यू थ्री है इससे मुराद एफ सप्शल है अब जिस तरह हर शेल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं उसी तरह हम हर सपशेल में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल उसका फार्मूला क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसे इसका फार्मूला है हमारे पास टू इंटू टू एल प्लस वन टू इंटू टू एल प्लस वन इसको ऐसे भी लिखा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाए दोनों से तु, 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 4L 2. तो टू टू जर फोर एल प्लस टू तो फोर एल प्लस टू या टू इंटू टू एल प्लस वन तो अगर आपने एस में फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एस के लिए यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करोगे क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है यहाँ पे ज़ीरो पुट किया तो टू ज़ीरो ज़ार जीरो ज़ीरो प्लस वन 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 को टू से मल्टीप्लाई किया टू एस में टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पी के लिए यहाँ पर आप एल की वैल्यू वन पुट करेंगे टू वन ज़ार टू टू प्लस वन थ्री थ्री टू ज़ार सिक्स पी में छः इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी के लिए यहाँ पर आप एल की वैल्यू टू पुट करोगे टू टू ज़ार फोर फोर प्लस वन फाइव फाइव टू ज़ार टेन डी में टेन इलेक्ट्रॉन्स आ गए और F के लिए यहां पर आप L की वैल्यू थ्री पुट करोगे थ्री टू जेट सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन टू जेट फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स अब चूंकि एजी मुतुल क्वांटम नंबर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है शेप्स को तो अब इनकी शेप्स क्या है मतलब जब L की वैल्यू जीरो है तो इससे मुराद सब शेल है और सब शेल की शेप क्या होती है सफेरिकल ठीक है सब शेल की शेप क्या होती है सफेरिकल इसी तरह हमारे पास जो एल की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू वन है पी के लिए और पी की शेप होती है डम्बल दिस इज डम्बेल शेप और इस डम्बेल में यहाँ पर ये यह रीजन हमारे पास होता है नोड इस रीजन को हम कहते हैं नोड ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो ठीक है नोड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो पी की शेप है डम्बल अच्छा डी की होती है जब भी एल की वैल्यू टू है तो इससे मुराद है डी सब शल है और डी की शेप होती है हमारे पास इसको हम कहते हैं डबल डम्बल या सॉसेज शेप होती है सॉसेज ठीक है और जब भी एल की वैल्यू थ्री है तो बेसिकली एल की वैल्यू थ्री है तो उससे एफ सबशेल है तो वैसे ये ट्रिपल डम्बल होता है लेकिन बुक में इसको लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है इसको डिस्कस नहीं करते वैसे ये ट्रिपल डम्बल होता है तो ये था जी सबशल्स एज ए मुथल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सबशल्स को अब सबशल्स की आगे ओरिएंटेशन है स्पेस में मतलब ये जो एस है ये लेट्स से हमारे पास ये जो पी है डम्बल है इस डम्बल को मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ दैट इज़ पी एक्स इसको मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ दैट इज पी वाई और इसको मैं जी एक्सिस के लॉन्ग भी अरेंज कर सकता हूँ दैट इज पी जी तो P जो सबशेल है उसकी हमारे पास तीन ऑरिएशन हैं तो इन ऑरियंटेशन को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स तो जितनी ओरिएंटेशन होंगी उतने ऑर्बिटल्स होंगे तो P की तीन ऑरिएंटेशन हैं तो P के तीन ऑर्बिटल्स हैं तो जो अगला क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम स्मॉल एम्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑफ सबशेल्स जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और बेसिकली जितनी ऑरिएंटेशन हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा तो एक सबशेल्स के कितनी ऑरिएंटेशन हैं या कितने ऑर्बिटल्स हैं इसका फार्मूला है फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑफ सबशेल वो फार्मूला है हमारे पास टू एल प्लस वन तो अगर आपने एस के लिए फ़ाइंड आउट करनी है कि एस की कितनी ऑरिएटेशन है तो s के लिए आप एल की वैल्यू क्या पुट करोगे ज़ीरो तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे टू जीरो ज़ीरो ज़ीरो प्लस वन वन तो एस के लिए एस की सिर्फ़ एक ही ओरिएंटेशन है यानी कि इसकी इसका सिर्फ़ एक ही ऑर्बिटल है और उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो एस के लिए सिर्फ एक ओरिएंटेशन है तो उस ओरिएंटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से और वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है ज़ीरो अच्छा इसी तरह अच्छा ये जो ऑरिएटेशन है ना ये बेसिकली माइनस एल से माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती हैं ये आपने याद रखना है ये जो सबशेल्स की ओरिएंटेशन है ये माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती हैं मतलब एस की वैल्यू क्या थी एस के लिए एल की वैल्यू क्या थी ज़ीरो यानी कि माइनस ज़ीरो से लेके प्लस ज़ीरो तक तो वो जीरो के साथ माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो तो वो ज़ीरो ही होता है ज़ीरो के साथ कभी भी हम माइनस नहीं लिखते तो इसलिए हमने इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो लिख दी अच्छा अब पी के लिए एल की वैल्यू वन है पी के लिए एल की वैल्यू वन है तो ये माइनस एल से प्लस एल तक होगी यानी कि ये माइनस वन ज़ीरो प्लस वन तो पी के लिए एल की वैल्यू वन है और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ माइनस वन जीरो प्लस वन होंगी इसी तरह डी के लिए तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या है टू तो ये माइनस एल से प्लस एल तक है यानी कि ये माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू तक है तो डी के लिए एल की वैल्यू टू है और इसकी मैग्नेटिव क्वांटम नंबर वैल्यूस माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन एंड प्लस टू और एफ़ के लिए एल की वैल्यू थ्री है तो ये कहाँ से होगी माइनस थ्री से प्लस थ्री तक माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री तो ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से पता चल रही हैं कि एक सप्शल की कितनी ओरिएंटेशंस होंगी इस फार्मूले से तो एस के लिए यहाँ पे एल की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट की टू जीरो ज़ीरो जीरो प्लस वन वन तो एस की सिर्फ एक ही ऑरिएटेशन है और उसकी ए की वैल्यू है p के लिए हम यहाँ पर l की वैल्यू वन पुट करेंगे टू वन जर टू टू प्लस वन थ्री तो p की तीन वैल्यूज़ हैं तीन ऑरिएटेशन हैं d के लिए यहाँ पर हम टू पुट करेंगे टू टू ज़ार फोर फोर प्लस वन फाइव तो d की पांच ओरिएशन हैं f के लिए सेवन ओरिएशन हैं हमारे पास ठीक है अब इनकी ओरेंटेशन्स क्या होती हैं तो uh, s की तो सिर्फ एक ही ओरिएटेशन है तो s का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है पी की हमारे पास तीन ऑरटेशन हैं तो P के हमारे पास तीन ऑर्बिटल होंगे पी एक्स पी वाई एंड पी जी और इन ऑर्बिटल्स को चूंकि एक ही सबशेल के ये ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी सेम होती है वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स और हमारे पास जो डी हैं डी ऑर्बिटल्स की कितनी ओरिएंटेशन है फाइव ओरिएंटेशंस है ज़्यादा बड़ा बन गया वन टू थ्री फोर फाइव तो डी एक्स वाई डी की पांच ओरिएंटेशंस हैं डी एक्स वाई याद होना चाहिए डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर इसमें इन सब की इन सब के पास चार लोब्स हैं यानी कि डबल डम्बल है डी एक्स वाई भी डबल डम्बल है डी वाई जी भी डबल डम्बल है डी जी एक्स भी डबल डम्बल है डी एक्स स्क्र वाई स्क्वायर भी डबल डम्बल है सिर्फ ये जो डी जी है ना ये डी जी स्क्वायर जो है ये सिर्फ एक ही डम्बल है इसकी सिर्फ दो लोब्स हैं और इसके साथ साथ इसका कॉलर भी होता है सिर्फ डीजी स्क्वायर जो है ये बाक़ियों से डिफरेंट है ठीक है और एफ़ जो है वो आपको पता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो उसको हमने डिस्कस नहीं करना अच्छा जी क्वेश्चन है हमारे पास

एस B ऑप्शन है हमारे पास पी एक्स सी ऑप्शन है डी जी और डी ऑप्शन है हमारे पास डी एक्स वाई जी इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट है अपने बाकी डी जनरेट से बच्चों हाँ जी एस का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है तो एस का तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं है पी के तीन डी तीनों सेम है तीनों की शेप सेम होती है हाँ ये जो डी स्क्वायर है अभी हमने बात की कि ये जो हमारे पास डी स्क्वायर है डी जी स्क्वायर ये टू लोब्ड है और ये बाकियों से डिफरेंट है ये अपने जो बाकी डी जनरेट ऑर्बिटल है उनसे ये डिफरेंट है ठीक है तो डी जी स्क्वायर जो है वो अपने बाकी डी जेनरेट ऑर्बिटल से डिफरेंट है सो द राइट आंसर इज चार्ली नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ

जी काउंट कर लो आप लोग चार में जो है वो चार चार लोब्स हैं मतलब डी एक्स वाई में भी चार लोब्स हैं डी वाई जी में भी फोर हैं डी जी एक्स में भी फोर हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी फोर हैं चार इसमें हैं चार इसमें हैं चार इसमें हैं चार इसमें हैं तो फोर फोर ज़र ये सिक्सटीन हो गए और सिर्फ एक जो डी जी स्क्वायर था इसमें सिर्फ दो लोब्स हैं तो सिक्सटीन प्लस टू ये आ गया हमारे पास एटीन सो द राइट आंसर इज एटीन जी एक और क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर कैन हैव नेगेटिव वैल्यू इनमें से किस क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ए है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सी है एजी क्वांटम नंबर डी है बोथ बी एंड सी जी बच्चों इनमें से किस क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है नो no. क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है वन से लेके ऑनवर्ड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जी नेगेटिव हो सकती है वो कैसे जैसे कि हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती हैं जैसे कि पी के लिए माइनस वन ज़ीरो प्लस वन है डी के लिए माइनस टू माइनस वन है यानी कि ये नेगेटिव हो सकती है तो क्या ऐज ई मुथल क्वांटम नंबर हो सकती है नेगेटिव वैल्यू एज ई मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है अगर वो होगी तो फिर डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी तो वैसे बच्चे ऐसे ही करते हैं जिसमें बोथ आ जाए ऑल ऑफ दीज आ जाए नन ऑफ दीज आ जाए तो फिर हम उसको सवाब समझते हैं फिर हम कहते हैं कि नहीं आज तो हमने सवाब कमाना है एक यही तरीका है सवाब कमाने का तो क्या हम सवाब कमाएं अब बोथ बी एंड सी तो जब वो सही ना ना हो तो फिर सवाब नहीं फिर गुना गुना मिलता है तो एजी एन स्क्वायर चार्ली है टू एल प्लस वन और डेल्टा है टू इंटू टू एल प्लस वन जी वो फार्मूला में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है एक शेल के अंदर वो क्या है तो के पहला शेल है के में सिर्फ एस है तो इसमें सिर्फ ए की ऑर्बिटल है एल दूसरा शेल है इसमें दो सब शेल हैं, एक एस और एक पी इसका एक है और इसके तीन है इसके टोटल फोर ऑर्बिटल्स हो गए दूसरे शेल में तीसरे शेल में हाँ जी तीसरे शेल में हमारे पास एस बी है पी भी है और डी भी है एस का एक ऑर्बिटल होता है पी के तीन होते हैं और डी के फाइव होते हैं तो ये टोटल कितने हो गए नाइन ऑर्बिटल्स हो गए और इसी तरह एन के लिए एन एन में हमारे पास एस बी है पी भी है डी भी है और एफ बी है तो एस का एक ऑर्बिटल, पी के तीन ऑर्बिटल डी के डी के कितने ऑर्बिटल हैं फाइव और एफ़ के कितने हैं सेवन तो टोटल कितने हो गए सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऑर्बिटल्स तो ये बेसिकली वन फोर नाइन सिक्सटीन ये एन का स्क्वायर है तो ये पहला शेल है तो वन का स्क्वायर वन ये दूसरा शेल है तो टू का स्क्वायर फोर ये तीसरा शैल है तो थ्री का स्क्वायर नाइन ये चौथा शेल है तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो द राइट आंसर इस बीटा एन स्क्वायर तो अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाँ जी अलेक्ट्रॉन की स्पिन को ज़ाहिर करता है हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड शेल हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी और जो दूसरा है उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से हमें पता चलता है कि वो वो जो है वो मैग्नेटिक है वो पैरा सब्सटेंस है या नहीं है या डाया है तो इससे हमें पता चलता है पैरा और डाया मैगनीटिक के बारे में जिसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन होगी और वो मैग्नेटिक फ़ील्ड जनरेट करता है तो ये आपने याद रखना है कि जो हर स्पिनिंग बॉडी है स्पिनिंग बॉडी जो है वो जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट अच्छा अभी हम बात करें कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक की स्पिन होगी क्लॉकवाइज इसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे की स्पिन होगी एंटी क्लॉकवाइज इसको हम नेगेटिव हाफ से शो करेंगे तो जो क्लॉकवाइज है जो प्लस हाफ है इसको हम कहते हैं स्पिन अप ये होती है स्पिन अप और ये जो एंटी क्लॉकवाइज होती है इसको हम कहते हैं स्पिन डाउन नेगेटिव हाफ तो जब हम एक एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे तो एक की होगी स्पिन अप और दूसरे की होगी स्पिन डाउन ठीक है तो एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हो एक की होगी स्पिन अप जो कि प्लस हाफ है और दूसरा होगा स्पिन डाउन जो नेगेटिव हाफ होगा यानी कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हाफ है जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगी लेकिन अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन होगी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है तो बेसिकली स्पिन से हमें उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है तो ये था जी फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर अच्छा क्वेश्चन आ जाता है how many quantum numbers crodinger wave equation हाउ मेनी आर डिराइव फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वन ऑप्शन है हमारे पास वन थ्री एंड फोर कितने क्वांटम नंबर्स हमने डिराइव किए हैं या डिराइव करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्व से जी बहुत सिंपल है तो हमने प्रिंसिपल एज ए मुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये तीन क्वांटम नंबर्स हमने डिराइव किए हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्व से स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमने डिराइव नहीं किया ये हम डिराइव नहीं कर सकते वेव से so the right answer is Charlie, three. तीन quantum numbers हमने हैं प्रिंसिपल एज ए मुथल और मैग्नेटिक नंबर ये हमने इक्वेशन से डिराइव किए हैं स्पिन क्वांटम नंबर हम इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते अच्छा जी अब हमारे पास क्वेश्चन है एक और Which of the following statements regarding electronic orbitals is correct? In this, statement electric इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स के मुताबिक ठीक है अल्फा ऑप्शन है हमारे पास ईच पी ऑर्बिटल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बीटा ऑप्शन है हमारे पास द थ्री पी ऑर्बिटल्स ए हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस ऑर्बिटल चार्ली ऑप्शन है The three three p orbitals have slightly different three three p orbitals have slightly different energies. Or delta option hai. one s orbital has the 1s orbital.

three three p orbitals have slightly different energies. One s orbital has the same shape and size as two s orbital. Mm -hmm. तो क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है नो no. क्यों भाई वो कह रहा है हर p ऑर्बिटल छह इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड कर सकता है नो no. पी के तीन ऑर्बिटल हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो टोटल छः इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कह रहा है हर पी ऑर्बिटल छः इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है नो no. एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है हर पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो से ज़्यादा नहीं टोटल टोटल पी सबसल में छः इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अच्छा नेक्स्ट है द थ्री पी ऑर्बिटल ए हायर एनर्जी लेवल देन थ्री एस ऑर्बिटल जी ये बात हमें नज़र आ रही है पी की एनर्जी ज़्यादा होती है एस से तो ये बात ठीक है तो ये हमें करेक्ट नज़र आ रहा है अच्छा चार्ली ऑप्शन भी देखते हैं थ्री थ्री पी ऑर्बिटल्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज नो तीनों थ्री पी जो हमारे पास थ्री पी ऑर्बिटल्स हैं थ्री पी एक्स थ्री पी वाई एंड थ्री पी जी ये तीनों की एनर्जी सेम है सेम एनर्जी तो वो कह रहा है स्लाइटली डिफरेंट तो ये भी गलत है फिर वो कह रहा है वन एस ऑर्बिटल हैज़ दी सेम शेप एंड साइज़ एज टू एस ऑर्बिटल तो ये आपने याद रखना है With increase in the value of principal quantum number, principal quantum number, the size of subshell increases. यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल का नंबर बढ़ेगा तो सबशेल्स की शेप तो सेम रहेगी लेकिन साइज़ इंक्रीज हो जाएगा मतलब पहले पहले इस शेल में जो सबशेल है वन एस उसका साइज़ स्मॉल है जो दूसरे शेल में हमारे पास एस सबशेल है टू एस उसका साइज़ बड़ा हो गया शेप वही रहेगी शेप सिमिलर होगी शेप सिमिलर होगी लेकिन साइज़ बड़ा हो जाएगा इसी तरह जो थ्री एस सबशेल होगा हमारे पास उसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होगा सप्शल्स की शेप तो सेम रहेगी लेकिन उस उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा यही बात पी पे अप्लाई होगी कि टू पी का साइज स्मॉल होगा थ्री पी से और फोर पी का साइज़ बड़ा होगा थ्री पी से इसी तरह यही बात अप्लाई होगी डी सप्शल पर यही बात अप्लाई होगी एफ सप्शल पर ठीक है तो वन एस ऑर्बिटल की सेम शेप तो है लेकिन साइज़ नहीं है टू एस ऑर्बिटल के तो ये बात भी गलत थी So the राइट आंसर इज बीटा ठीक है जी तो ये क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड था अब एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है जी अल्फा ऑप्शन हमारे पास एन इज इक्वल्स टू फोर एल इज इक्वल्स टू फोर एम इज इक्वस टू माइनस फोर एस इज इक्वस टू प्लस हाफ बीटा ऑप्शन है हमारे पास एन इज इक्वस टू थ्री एल इज इक्व टू टू एम इज इक्व टू माइनस थ्री एस इज इक्व टू प्लस हाफ चार्ली ऑप्शन है हमारे पास n is equals to 3, L is equals to 2, M is equals to minus 1 and S is equals to plus half. Or delta option M pass. N is equals to 2, L is equals to 1. M is equals to minus 2 and S is equals to plus half. इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है जी बच्चों कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है तो अल्फा ऑप्शन देखो क्या पहली ऑप्शन पॉसिबल है एन इज इक्स टी फोर से मुराद है कि उस चौथा शैल है अच्छा चौथा शैल है तो क्या उसमें सब शेल की वैल्यू फोर हो सकती है एल की वैल्यू कैसे आती है एन माइनस वन से तो यानी कि अगर एन फोर है अगर एन फोर है तो एल की वैल्यू उससे एक लाजमी कम होगी यानी कि यहाँ पर एल की वैल्यू थ्री होनी चाहिए थी या टू होगी यानी कि उससे एक लाजमी कम होगी थ्री होगी टू होगी वन होगी या ज़ीरो होगी तो ये पॉसिबल नहीं है अच्छा एन इज़ टू थ्री तीसरा शेल है तीसरे शेल में एल इज इक्व टू टू ये पॉसिबल है क्योंकि एल इज इक्व टू एन माइनस वन थ्री माइनस वन ये टू आ गया और एल की वैल्यू टू किसके लिए होती है डी सबशल के लिए ये हमारे पास डी सबशल है तो इसकी जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है माइनस थ्री तो क्या डी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस थ्री हो सकता है नो no. तो इसका सिंपल हाल है कि जो आपके पास एल की वैल्यू है ना वही एल की वैल्यूज माइनस से प्लस तक होगी यानी कि एल की वैल्यू टू है तो एम की वैल्यू माइनस टू से लेके प्लस टू तक होगी तो ये कह रहा है एम की वैल्यू माइनस थ्री है तो ये पॉसिबल नहीं है एम की वैल्यू माइनस थ्री इसके लिए पॉसिबल नहीं है अच्छा जी एन इज इक्वस टू थ्री एल इज इक्वस टू टू ये बात ठीक है तो तो इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं वो माइनस टू से प्लस टू तक हो सकती है तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन है ये बात ठीक है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ हो सकती है तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है डेल्टा ऑप्शन भी देख लेते हैं एन इज़ इक्व टू टू एल इज इक्व टू वन दूसरे शेल में एल इज इक्व टू वन ये पॉसिबल है लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक होगी तो माइनस टू पॉसिबल नहीं है इसके लिए सो द राइट आंसर इज चार्ली चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बीटा ऑप्शन है एन इज एक टू थ्री एल इज इक्वल्स टू थ्री नो सॉरी एल इज़ इक्वल्स टू टू एल इज इक्वल्स टू वन एम इज एक टू ज़ीरो एस इज एक टू प्लस ऑफ चार्ली ऑप्शन है हमारे पास एन इज इक्स टू फोर एल इज़ इक्वल्स टू टू एम इज एक टू प्लस वन एंड एस इज टू प्लस एक और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास एन इज इक्वल्स टू थ्री एल इज इक्वल्स टू एकज़ इक् माइनस थ्री एंड एस इज इक्वल्स टू एक हाफ जी इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें आपने बताना है इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है जी बच्चों क्या पहला पॉसिबल है एल इज एन इज़ इक्व टू थ्री है एल इज इक्व टू टू है ये बात ठीक है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू तक हो सकती है यानी कि ज़ीरो हो सकती है और स्पिन भी ज़ीरो हो सकती है तो ये तो पॉसिबल है एन इज़ इक्वस टू थ्री और एल की वैल्यू वन हो सकती है यानी कि एल की वैल्यू उससे कम ही है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक हो सकती है यानी कि जीरो भी हो सकती है ये भी ठीक है और स्पिन प्लस हाफ भी हो सकती है उस ऑर्बिटल के अंदर एन इज़ इक्व टू फोर एल की वैल्यू टू यानी कि उससे कम ही है और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू तक हो सकती है तो प्लस वन ये ठीक है और स्पिन भी हो सकती है ये भी पॉसिबल है तो एन इज़ इक्व टू थ्री एल इज़ टू टू और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज माइनस टू से प्लस टू तक हो सकती हैं माइनस थ्री नहीं हो सकती तो ये पॉसिबल नहीं है सो द राइट आंसर इज डेल्टा ठीक है बच्चों तो ये था जी क्वांटम नंबर्स आज के लिए इतना ही कल हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हम कल करेंगे और डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह कल ये यूनिट नंबर टू कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल है इतना मुश्किल नहीं है क्वांटम नंबर्स तो वैसे ही बड़े बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रोटॉन के वाले से भी बहुत सिंपल सी बातें आती हैं वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है तो आज के लिए इतना ही आप लोग दिल लगा के जो है वो प्रैक्टिस करें और पूरी यकीन के साथ प्रैक्टिस करें मेहनत करें अल्लाह ज़रूर आपको मेहनत का फल देगा तो मिलते हैं कल अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़